तो गाइस पोकेमोन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐश के जोटो रीजन के बैच के बारे में, और इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा उसने ये सारे बैचेस कैसे जीते और इन सभी को कैसे हासिल किया। इन सभी के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मेरे पास कोई अच्छा टॉपिक नहीं था इसलिए मैं बिजी हो गया था। तो गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और भी पोकेमोन की वीडियोस के लिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जोटो रीजन के इन सारे बैच को हासिल करने में ऐश को काफी मेहनत लगी थी और इन सभी के लिए ऐश ने काफी स्ट्रगल किया था। ऐश ने फर्स्ट जिम बैटल जीता था फ्लॉकनर के सामने, और इसके पास काफी अच्छे पोकेमोन थे और इनमें से इसका पिजियोट जो कि काफी ताकतवर था। तो गाइस यहाँ पर ऐश ने जीता था ज़ेफियर बैच। आई होप तुम्हें ये एपिसोड याद आ गया होगा क्योंकि इसमें चार्जर्ड और पिजियोट की बैटल काफी अच्छी हुई थी और यहीं पर इन दोनों ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, पर फाइनली लास्ट में चार्जर्ड इससे जीत जाता है। और इससे पहले भी कुछ अच्छी बैटल हमें देखने के लिए मिली थी, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर हमें चार्जर्ड की देखने के लिए मिली थी। और मेरे हिसाब से तुम सभी ने इस एपिसोड को काफी अच्छे से देखा होगा, और यहाँ पर ऐश ने जितने भी बैटल्स किए थे वो काफी अच्छे थे। तो गाइस बढ़ते हैं अगले बैच की तरफ। तो अगला बैच का जिम लीडर है बग्जी, अब इसे कौन नहीं जानता, और खास करके गेम्स में ऐसे ट्रेनर हमें बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे साथ हर बार बैटल करते हैं। और यहीं पर कुछ बग टाइप के साथ ऐश ने बैटल की थी, और यहीं पर मिस्टी को बग टाइप से काफी ज्यादा एलर्जी है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस बैटल में ऐश ने काफी अच्छा एडवांटेज लिया, उसने बग्जी के सामने अपने सिंडिक व्हील को चूज किया था जो कि काफी अच्छी चॉइस है, और इसके फायर अटैक से वो इसके सारे पोकेमोन्स को काफी अच्छे से हरा पाया। और इसी के साथ इसने अपने और भी पोकेमोन का यूज किया जैसे कि चिकोरिटा, पर वो इससे हार गई थी। पर इसके बावजूद भी ये बैटल काफी अच्छा चला और यहाँ पर सिंडिक विल ने काफी अच्छा काम किया। हालांकि सिंडिक विल ने पूरे सीजन में यहाँ पर सबसे बेस्ट काम किया था, और ये सारे बैटल्स अजेलिया टाउन में हुए थे। तो गाइस बढ़ते हैं अगले जिम की तरफ। अगला जिम था वो था प्लेन बैच, यहाँ पर ऐश ने जीता था प्लेन बैच, और ये था गोल्डन रॉड सिटी में, और यहाँ की जिम लीडर थी विट्टेने। हाँ, ये काफी क्यूट थी और इसके सारे पोकेमोन काफी ज्यादा अच्छे थे, और यहाँ पर आने के बाद इन तीनों को काफी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मिल्क मिलता था। ऐश की कुछ हरकतों की वजह से उसे काफी ज्यादा किक मिली है। तो गाइज यहाँ पर भी काफी अच्छी बैटल्स हुई है, जैसे कि ऐश ने यहाँ पर भी अपने सिंडिक व्हील का यूज किया था, पर वो यहाँ पर ज्यादा काम नहीं आया, और यहीं पर काफी अच्छी बैटल्स हमें देखने के लिए मिली थी। पर यहाँ पर पिकाचू ने काफी अच्छा काम किया था, और ये सब होने के बाद उसने प्लेन बैच जीत लिया। तो गाइस बढ़ते हैं अगले बैच की तरफ। अगला जो बैच था वो था गोस्ट टाइप जिम में, और यहाँ का जिम लीडर था मॉर्टी। हाँ, इसका नाम काफी ज्यादा फनी है, पर इसके पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल थे, और यहीं पर ऐश ने फॉग बैच जीता था। और यहाँ पर बैटल करने के लिए ऐश को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उसे काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इसके सारे पोकेमोन काफी पावरफुल थे, जैसे कि पिकाचू ने अपना 100% दिया था पर वो यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाया। और यहाँ पर ऐश के नॉकडाउन ने काफी अच्छी बैटल्स की, इसकी मदद से वो इससे जीत गया और इसे फॉग बैच मिल गया। इस जिम में पिकाचू का दिन नहीं था इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा बैटल अच्छे से नहीं कर पाया, पर यहाँ पर सबसे बेस्ट नॉकडाउन ने दिया था। तो गाइस बढ़ते हैं अगले बैच की तरफ। अगला बैच जो जीता था वो था चक के सामने, एक फाइटिंग टाइप जिम लीडर। हाँ, इसे ऐश ने काफी आसानी से हराया था, पर स्टार्टिंग में इसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और इसे तुमने गलारिजन में भी देखा होगा। जब ऐश बी के साथ बैटल करता है तब हमें चक देखने के लिए मिलता है, और इसके पास काफी अच्छे पोकेमोन थे, और यहीं पर ऐश का बेलीफ काफी ज्यादा काम आया था, और यहाँ पर पिकाचू ने भी काफी अच्छी बैटल की थी, और इन दोनों की मदद से ऐश ने यह बैच जीत लिया था। और वैसे भी इसे हराने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, पर मेरे हिसाब से ये बैटल काफी अच्छी थी जहाँ पर बेलीफ के पास एडवांटेज भी था और अपने पोकेमोन की मदद से वो स्ट्रॉन्ग बैच जीत जाता है, और इसे जीतने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले बैच की तरफ। अगला बैच था वो था स्टील टाइप जिम लीडर के सामने, और यहाँ की जिम लीडर थी जैस्मीन, और यहाँ पर मिनरल बैच जीता था, और यहीं पर इसका स्पेशल पोकेमोन था स्टीलेक्स जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, और मेरे हिसाब से इसे हराने के लिए ऐश को काफी मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ पर ऐश ने अपने पिकाचू का भी यूज किया था जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इसके बाद उसने अपने सिंडिक व्हील को चूज किया था, और जब जैस्मीन ने अपने स्टीलिक्स को निकाला था वो काफी ताकतवर था, और स्टार्टिंग में वो उसके सारे अटैक से बच जा रहा था, पर अचानक से यहाँ पर सिंडिक व्हील एक नया अटैक सीखता है, और इसी की मदद से ऐश ये बैटल जीत जाता है, और इसका सारा क्रेडिट सिंडिक व्हील और पिकाचू को जाता है,
और इसके बाद ऐश ने अपना मिनरल बैच भी हासिल कर लिया। तो अगला जिम बैटल किया था वो था आइस टाइप जिम लीडर के साथ, और यहाँ का जिम लीडर था परसी, इसे कौन नहीं जानता, और इसके पास काफी ताकतवर पोकेमोन थे और इन्हें हराने के लिए ऐश को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ टीम रॉकेट का जैसा तो नहीं, पर काफी करना पड़ा। और ऐश स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा उदास हो गया था, पर तुम्हें पता है ऐश ज्यादा देर तक उदास नहीं होता। जब ऐश ने परसी के साथ बैटल किया तो वो बैटल काफी अच्छा चला और उसने अपने सिंडिकेट को चूज किया था, पर वो यहाँ पर थोड़ा सा ही काम आया, पर उसने काफी कुछ मदद की थी। और एक अच्छे बैटल के बाद सिंडिकेट हार जाता है, और इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को निकालता है जो कि काफी अच्छी चॉइस थी, और यहाँ पर भी इसके पास एडवांटेज था। और अब ये सब होने के बाद पिकाचू काफी देर तक इससे लड़ता है, पर स्टार्टिंग में पिकाचू को काफी ज्यादा हार्ड पड़ता है। पिकाचू अपने माइंड का यूज करके उसे हरा देता है और हराने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ऐश ने अपना एक और बैच जीत लिया और यहाँ पर ऐश ग्लेशियर बैच जीतता है। तो गाइस पोके क्विज के पिछले विनर्स ये हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए थे, और काफी लोग मुझे कहते हैं कि तुमने मेरा आंसर क्यों नहीं लिया, मैंने भी करेक्ट आंसर दिया था। तो देखो तुम जल्दी से आंसर दे दो, आज का पोके क्विज है ये। इस पोकेमोन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी सबसे पहले बताएगा मैं उसे अगले वीडियो में फीचर करूंगा। तो ऐश का लास्ट बैच था वो था राइजिंग बैच, और ये था एक ड्रैगन टाइप जिम लीडर के सामने जहाँ की जिम लीडर थी क्लेयर, और सच में इसके पास काफी ताकतवर पोकेमोन थे और इसे हराना काफी आसान बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि अगर ऐश का चार्जर यहाँ पर नहीं आता तो शायद ही ऐश इसे हरा पाता, पर वो यहाँ पर आ जाता है तो ऐश इसे हरा देता है। और यहाँ पर स्नॉरलैक्स काफी अच्छा काम करता है, वो इसके किंड्रा को भी बड़ी आसानी से हरा देता है, पर जब इसका गैराडोस आता है तो उसे भी काफी अच्छी टक्कर देता है। और यहीं पर पिकाचू भी इससे काफी बैटल करता है, पर ये सब होने के बाद जब लास्ट बैटल आता है वो ऐश के चार्जर के साथ, और ये लास्ट बैटल ड्रैगनियर के साथ था, और चार्जर इसको बड़ी आसानी से हरा देता है। हालांकि उसे काफी मुश्किल होती है पर उसे हरा देता है, और इसे हराने के बाद वो राइजिंग बैच जीत जाता है। तो गाइस आज का टॉपिक यही था, आई होप तुम्हें ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट मिस हो गया है तो तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और पोके क्विज का भी आंसर दे देना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और भी पोकेमोन की वीडियोस के लिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस ये हमारे सीरीज का सेकंड पार्ट था, अगर तुमने कैंटो रीजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम उसे जाके देख सकते हो, उसका लिंक तुम्हें आई बटन पे मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।